नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो प्रकृति पशु पक्षियों के जरिए या पेड़ पौधों के जरिए या कीट पतंगों के जरिए उसे शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कुछ ऐसे संकेत भेजती है जिससे मनुष्य जान सकता है कि उसका निकटतम भविष्य या उसके भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली होती हैं। वैसे तो भविष्य को कोई नहीं देख सकता, परंतु हमारे ऋषि मुनि अत्यंत ही ज्ञानी थे। वे पुराणों में, वेदों में एवं अन्य ग्रंथों में उन संकेतों को लिख कर गए जिससे आदमी अपने भविष्य का अनुमान लगा सकता है और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो भी प्रकृति के द्वारा दिए हुए इन संकेतों के द्वारा। दोस्तों, गीता में एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद मुनि, जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तब मैं प्रकृति के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पशुओं के द्वारा एवं पेड़ पौधों के द्वारा, सभी के द्वारा उन्हें कुछ ऐसे संकेत देता हूँ जिससे मनुष्य यह जान सके कि उसका समय बदलने वाला है, उसका भाग्य बदलने वाला है, उसकी किस्मत चमकने वाली है। तो दोस्तों, वैसे तो यह अत्यंत ही बहुत बड़ा विषय है कि कौन से संकेत, कौन सा जीव किस प्रकार के संकेत देता है और उसका अर्थ क्या होता है। इसके लिए अनेक शास्त्र हैं, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है एवं सामुद्रिक शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र हैं, भृगु संहिता है, परंतु उनमें से एक ऐसा जीव जिसे मनुष्य अब पालते हैं जो है, जो वफादारी के लिए जाना जाता है, दोस्तों वह जीव है कुत्ता, जिसके कुछ संकेत आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो कुत्ते के द्वारा दिए जाने वाले संकेत इतने हैं कि उन्हें एक वीडियो में बनाना असंभव है, उनके लिए कई सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे जो हम बाद में बनाएंगे। परंतु उसके कुछ ऐसे संकेत जो अवश्य ही जानने चाहिए वह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कुत्ते के वे संकेत जो मनुष्य को अवश्य जानने चाहिए, जिन्हें देखकर वह जान सके कि उसका अच्छा समय आने वाला है अथवा उसका बुरा समय आने वाला है या उसके साथ कौन सी घटना होने वाली है निकटतम भविष्य में। उन संकेतों को पहचान कर अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं को भी मनुष्य टाल सकता है, अपने दुर्दिनों को भी खत्म कर सकता है और अपनी परेशानियों को भी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर एक, कुत्ता अगर आपको देखकर पूंछ हिलाने लगे। दोस्तों, ये कुत्ते की बात हो रही है, वह घर का पालतू कुत्ता नहीं अपितु गली का कुत्ता या कोई आवारा कुत्ता की बात हो रही है, क्योंकि आपका कुत्ता तो आपको देखकर पूंछ ही हिलाएगा, परंतु अगर कोई गली का कुत्ता या कोई आवारा कुत्ता आपको देखकर अगर पूंछ हिलाने लगा है तो यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि अब आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं या जो कार्य करना चाहते हैं आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। साथ में बाबा भैरव और राहु एवं केतु जैसे ग्रह जो कि दुष्ट ग्रह कहे जाते हैं, वे भी आपको दुष्टता का परिणाम नहीं अपितु शुभ परिणाम देने वाले हैं। साथ ही कुत्ते को शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए शनि की साढ़े साथी में भी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बुरा समय समझ लीजिए आपका बीतने वाला है और अच्छा समय आने वाला है अगर कुत्ता आपको देखकर पूंछ हिलाने लगता है। नंबर दो, अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि कोई कुत्ता आपके दाहिनी ओर से मुंह में कोई शाकाहारी वस्तु दबाकर निकल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा दिखता है कि कुत्ता आपके दाहिनी तरफ से शाकाहारी वस्तु जैसे रोटी वगैरह लेकर निकल रहा है तो यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है और यह माना जाता है कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी एवं आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह सफल होगा ही होगा और साथ ही आपके घर में धनागमन के संकेत भी हैं ये। नंबर तीन, कुत्ते का भौंकना। दोस्तों, आप कहीं खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं और वहाँ अन्य लोग भी हैं, फिर भी कुत्ता उन लोगों को छोड़कर सिर्फ आपके ऊपर ही भौंक रहा है तो यह
समझ लेना चाहिए कि कुत्ता आपको सावधान कर रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी जरूरी कार्य से जा रहे हैं तो आप उस यात्रा को स्थगित कर दीजिए अथवा कुछ देर वहां रुक जाइए, 10 से 15 मिनट आप वहां रुक जाइए, जिससे आपके जो दुर्घटना होने वाली है उसका योग टल जाएगा। दोस्तों, कुत्ता भौंकने के बाद हमें सावधान करता है कि आपके साथ निकट भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, जो आप इन संकेतों को समझकर टाल सकते हैं। जब आप कुत्ते को अपने ऊपर भौंकते हुए देखें तो वहाँ कुछ देर के लिए आप रुक जाइए, जिससे आपका बुरा समय बीत जाएगा और आपका कार्य सफल हो जाएगा। नंबर 4, कुत्ता आपको देखकर भाग जाए। दोस्तों, अगर आप अपने घर से निकले या वहाँ आसपास आपके आसपास कोई कुत्ता है और वह अकारण ही आपको देखकर भाग जाए, बिना कारण के, आपने उसे डराया नहीं, आपने उसे भगाया नहीं, लेकिन फिर भी कुत्ता अन्य लोगों को देखकर नहीं भागा अपितु आपको देखकर ही भाग गया, तो दोस्तों यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तब आपके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका करवाया हुआ है या कोई बुरी शक्ति आपके आसपास है। दोस्तों, कुत्ते को बुरी शक्तियां एवं अच्छी शक्तियां भी दिखाई देती हैं। वह किसी भी स्थिति का पूर्वाभास कर लेता है। कुत्ते को छठी इंद्री मिली हुई है, जिसकी सहायता से वह मनुष्य का अच्छा और बुरा दोनों ही देख सकता है। अगर कोई कुत्ता आपको देखकर भागा है तो इसका अर्थ है कि कोई बुरी शक्ति आपके आसपास है। तब आप शीघ्र ही किसी मंदिर में जाइए, किसी हनुमान मंदिर में या किसी भैरव मंदिर में जाइए, वहाँ दीपक जलाइए और भगवान से विनती कीजिए कि वह सभी मुश्किलों से आपको बाहर निकाल ले। यकीन जानिए, कुत्ते का यह संकेत अशुभ अवश्य ही समझा जाता है, परंतु आप इस अशुभता को दूर करके अपने पक्ष में समय को कर सकते हैं। अगर किसी ने जादू टोना या टोटका कराया है तो वह भी खत्म हो जाएगा, एवं कोई बुरी शक्ति भी आपके आसपास है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। नंबर 5, कुत्ते का रात को या दिन में आपके घर के आसपास रोना। दोस्तों, कुत्ता अगर आपके घर के आसपास आकर झुंड बनाकर रोने लगे तो यह अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि पहले ही हम बता सके हैं कि कुत्ते को पारलौकिक शक्तियां भी दिखाई देती हैं, और कुत्ता अगर आपके घर के आसपास आकर इकट्ठे होकर रोने लगे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके घर में शीघ्र ही कोई अनिष्ट होने वाला है या कोई बीमार पड़ने वाला है। दूसरा, दोस्तों, कुत्ते का अगर मुंह ऊपर करके रोते हैं तो यह अशुभ है, अगर वह मुंह नीचे करके रोता है तो यह शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि कुत्ते ऊपर मुंह करके रो रहे हैं तो आप रुकिए मत, आप उन्हें डांट कर वहां से भगा दीजिए। एक ध्यान रखिए, उन्हें मार के नहीं भगाना है अपितु डांट कर भगाना है। किसी भी प्रकार से उन्हें टोक दीजिए, उन्हें रोने से रोक दीजिए, उन्हें वहां से भगा दीजिए। इससे जो पारलौकिक शक्ति है जो आपका अहित करने के लिए आई है वह भी वहां से टल जाएगी। नंबर 6, कुत्ता आपको देखकर खेलने लगे। दोस्तों, अगर आप कहीं से जा रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं या अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और कोई आवारा कुत्ता जो गली में मोहल्ले में रहता है परंतु आपका पालतू नहीं है, वह कुत्ता अगर आपको देखकर खेलने लगे, आपके आसपास लेटने लगे, आपको इधर उधर छूने लगे तो यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तब भगवान शनि देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और भगवान भैरव के आशीर्वाद से आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। साथ ही कोई अच्छी शक्ति, जो पारलौकिक अच्छी शक्तियां होती हैं, किसी देवी या देवता की कोई अच्छी शक्ति आपके साथ विचरण कर रही है, किसी देवी देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, दोस्तों यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तब आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे, आपका भाग्य चमकने लगेगा, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। ऐसा होता है दोस्तों, तो आप कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाइए, गली के कुत्तों को, आवारा कुत्तों को। दोस्तों, ऐसा होने पर आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके घर धनागमन होने वाला है, आपको धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, यह थे कुछ
नृत्य से रिलेटेड कुछ ऐसे संकेत जिन्हें देखकर आप अपने भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, अपने बिगड़े हुए कार्य को भी बना सकते हैं। अन्य संकेत हम अपने अगले वीडियो में देंगे। तब तक नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सियाराम।